ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है सात्विक व्यंजन द प्योर फूड शो। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ है बीके विष्णु बहन जी। आइए हम देखते हैं कि आज वो अपने खजाने में से हमें क्या सिखाने वाली है। तो बताइए विष्णु जी। ओम शांति, आपका स्वागत है। और आज हम जो दिखाने जा रहे हैं वो है मूंग का ढोसा। क्या बात है, मूंग का ढोसा, रवा ढोसा खाया है, मसाला ढोसा खाया है, चने का ढोसा खाया है, आज हम मूंग का ढोसा सीखने वाले हैं। तो देखो आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो मूंग का ढोसा। तो ये जो मूंग है, ये मूंग को हम जो है 8 घंटा भिगा देने का। तो भिगाने के बाद फिर उसको कपड़े में बांध के और उसको नोकीले वाले मूंग बना देने के। और ये नोक निकला हुआ मूंग जो है ना वो हम जो है मिक्सर में पीस देंगे। जैसे आप तो आप देख सकते हैं जैसे हम ये नोकीले मूंग को कैसे मिक्सर में डालेंगे और उसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी डालने का। थोड़ा सा पानी डालिए जिससे वो डाइल्यूट हो जाए और उसका पेस्ट जल्दी बने। और उसके बाद जो है वो पीस लेने का। अभी ये जो मूंग है इसके अंदर जो है हम हरी मिर्ची, अदरक और नमक ये सब डाल के भी पीस सकते हैं। और ऐसा हमने जो है यहाँ पर पेस्ट रखा है और यहाँ रेडी करके आटा रखा है। तो ये मूंग का जो आटा है इसके अंदर हम जो है भी जो पीसा आपने तो ये हमने आटा रेडी करके रखा है। तो ये रेडी आटे में हम जो है उसके अंदर ये अदरक और मिर्ची का पेस्ट, उसका पेस्ट जो है वो हम डालेंगे इसके अंदर। और उसके अंदर नमक, जो नमक सबसे अच्छी मेन कीमती जो है ना वो नमक होती है। नमक नहीं होने से स्वाद नहीं आएगा। सही बात तो है। ये नमक जो है वो हम डालेंगे इसके अंदर और जितना चाहिए आपको स्वाद के हिसाब से। और उसके बाद जो है थोड़ी सी हींग जो है वो हम डालेंगे इसके अंदर। और उसके बाद जो है वो हम यहाँ इसको हिला देंगे पूरा। आप दर्शकों को आसानी हो इसीलिए हम आपको बता देते हैं कि पेस्ट कैसे बनाया गया, जो डोसे का बैटर है वो कैसे बनाया गया। स्प्राउटेड मूंग को आपको मिक्सर में पीस लेना है, उसका पेस्ट बना देना है, उसमें जैसे दीदी ने बताया मिर्ची और अदरक का पेस्ट डालना है, अपने स्वाद अनुसार हींग और नमक ऐड कीजिए। आपका पेस्ट रेडी है। अभी हम जो है गैस चलाएंगे इसको। अभी हमने गैस चलाया, पहले इसको गर्म होने देने का। कोई भी चीज गर्म होने से उसके अंदर थोड़ा बनने का स्टार्ट होती है। तो इसको हम पहले गर्म होने देने के और उसके बाद ये आटे को जो है हम डोसे की रीति से यूज करेंगे। तो देखो मूंग का जो है डोसा वो कैसा स्वादिष्ट बनने वाला है, अच्छा लगने वाला है, क्योंकि मूंग मोस्टली कम पसंद करते हैं। तो आज हम तुमको जो है मूंग का डोसा बनाने वाले हैं। नहीं, आप देख सकते हैं सात्विक व्यंजन में हमें ऐसी ऐसी नई चीजें मालूम पड़ रही है। मूंग का डोसा, यानी मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी डोसा वाला ऐसा डोसा बना के बेचते होंगे। तो देखो अभी ये मूंग का डोसा जो है हम कैसे बना रहे हैं। आप बनाते समय बिल्कुल भी ना सोचिए कि डोसा अच्छा बनेगा नहीं बनेगा या कोई भी पदार्थ उसमें स्वाद रहेगा नहीं बनेगा, ऐसी कोई संकोच में ना रहे, क्योंकि अगर आप उसे परमात्मा की याद में बना रहे हैं तो वो निश्चिंत स्वादिष्ट ही बनने वाली है। तो ये जो डोसा हमने अभी डाला है तो इसको आप जो है ना प्रभु की याद की दृष्टि डालने का, तो उसमें आपके अंदर जो है ना याद भी आ जाएगी प्रभु की और उसके अंदर स्वाद भी भर जाएगा। तो इसको हमको जैसे बन रहा है तो हम खड़े क्यों रहे, तो उसके लिए हमको प्रभु को याद करना चाहिए। तो हम प्रभु की याद में हम इनको दृष्टि दे तो उस दृष्टि में भी शक्ति होती है। तो अभी ये जो दृष्टि दे के हम जो है इसके अंदर थोड़ी सी तेल डालेंगे। तेल अगर आपको नहीं पसंद है या नहीं खाना है तो तेल नहीं भी डालेंगे तो भी निकलता है और तेल डालेंगे तो भी निकलता है। तेल डालने से आसानी हो जाती है, तवे पे चिपकता नहीं है डोसा। बिल्कुल 1/2 टीस्पून डाला है दीदी ने। तो ये हमने तेल डाला। डोसा जैसे जैसे उबलता जाए उस हिसाब से आप अपना
गैस का टेम्परेचर एडजस्ट कीजिए। तो ऐसा हम जो है मूंग का जो ढोसा है ना वो ऐसा बनाते हैं। और इसके अंदर अगर ये मूंग के ढोसे के अंदर वेराइटी सब बनाते हैं, अलग अलग डिशेज। जैसे हम लोग क्या करेंगे, टमाटा गोल गोल कटिंग करके उसके ऊपर हम रख देते हैं और फिर टमाटे के ऊपर मसाला डाल के और फिर खाते हैं डोसे में, तो आपका टोमेटो मूंग डोसा बन जाएगा। तो ऐसा हम मूंग के डोसे की बहुत वेरायटी बनाते हैं, अलग अलग। जैसे ये कड़क डोसा बन रहा है, कड़क डोसा बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है और फिर गर्म होना पड़ता है। और ऐसा उत्तपा डोसा बोलते हैं जिससे उसको जाड़ा जाड़ा होता है थोड़ा सा, तो उसको उत्तपा डोसा कहा जाता है। फिर मसाला डोसा, तो मसाला डोसा माना आप जो गोभी गाजर की जो सब्जी बनती है वो सब्जी को हम बीच में डाल के उसको मसाला डोसा बना सकते हैं। तो ये मूंग की जो आटा है ना ये मेन है, ये मेन जैसे बोलते हैं ना शरीर के अंदर आत्मा मेन है, है ना। आप देख सकते हैं किस तरीके से दीदी ने लिंक करके हमें इतनी इतनी डीप और इतनी सच्ची बात बताई है। बिल्कुल मूंग जैसे हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही हमें वो बनाना सिखा रहे हैं और वो खाने में कितना हेल्प करने वाला है अपनी हेल्थ के लिए वो बता रहे हैं। तो ये हो गया हमारा देखो मूंग का डोसा, तो ये जो मूंग का डोसा है ऐसा हमको डाल देने का, ये हमारा बन गया मूंग का डोसा। ये हमने रेडी करके पेपर डोसा रखा है और ये गरम गरम डोसा आप खा सकते हैं। और मुझे फिर से गरम डोसा खाने का मौका हाँ। मिलने वाला है। ये जो है हमारा ये डोसा बन गया। आप इसे चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं उसमें और टेस्ट लाने के लिए। तो ये देखो तुम्हारे लिए स्पेशल, मेरे लिए परमात्मा की याद में खाना पड़ेगा तेरे को। अरे तो मुझे फिर से भगवान को दो मिनट में उन्हें याद कर लो और मैं बता दूं कि विष्णु दीदी ने कितने प्यार से मेरे लिए डोसा बनाया है। तभी बाबा की याद में, परमात्मा की याद में तुम चखो। कोई शक नहीं, वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस एंड आई एम श्योर आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। आप दूसरे डोसे तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। ऑल्सो ये आपको इतना नरिशमेंट देगा कि आपको इसे खाने के बाद कोई आलसपना नहीं, कोई रोग नहीं, बिल्कुल फ्रेश, वेरी नाइस। तो ये देखा आपने मूंग का डोसा, तो ऐसा हम अलग अलग रीति से इसको बना के खा सकते हैं और उत्तपा बना के भी ले सकते हैं और वेराइटी इसी आटे का हम बहुत कुछ बनाकर खा सकते हैं। तो आपने देखा दर्शकों कि मूंग का डोसे का आटा, इस आटे की कितनी स्पेशलिटी है और ये कितना हेल्दी है। तो इस तरीके से सात्विक व्यंजन हर समय यही कोशिश में लगा रहेगा कि वो आपको हेल्थ कैसे पहुंचाए, आपको नरिशमेंट कैसे पहुंचाए। आगे हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े रहे ताकि हम आपको और रेसिपीज भी बताते रहे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। दैट इज आवर मोटो। ओम शांति, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। ओम शांति।